पाइथन ट्यूटोरियल में सीखने वाले हो कि कैसे किसी गैलेक्सी का स्पेक्ट्रा को डाउनलोड किया जाए और उसको कैसे प्लॉट किया जाए। तो गैलेक्सी का स्पेक्ट्रा हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये हमारा एक सैम्पल गैलेक्सी का स्पेक्ट्रा है। बेसिकली ये हमारा एक प्लॉट होता है फ्लक्स और वेवलेंथ के बीच में। तो देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लक्स वेरी कर रहा है और कुछ लाइन्स दिखाई दे रही है। तो ये लाइन्स उस गैलेक्सी में प्रेजेंट एलिमेंट्स के को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ की हाइड्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि उस गैलेक्सी में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और देख सकते हो कि ये हमारा कुछ लाइन्स ऊपर और कुछ लाइन्स नीचे हैं। जो लाइन ऊपर शो की है मतलब कि वहाँ हमारा इमिशन लाइन है, और जो लाइन्स डाउनवर्ड है वो हमारा एब्जॉर्प्शन लाइन्स है। तो ये हमारा गैस, ये हमारा स्पेक्ट्रा का बेसिक हो गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस स्पेक्ट्रा को डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। तो ये हमारा पहला चरण होगा कि डाउनलोड करें डेटा को। तो ये हमारा लिंक है वेबसाइट का, इसको बोलते हैं स्लोम डिजिटल स्काई सर्वे। तो उस लिंक हम क्लिक करते हैं, न्यू टैब में जाते हैं और यहाँ हम जाएंगे नेविगेट। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का आर डेक है, तो आप उसे सर्च कर सकते हो या यदि आपको मालूम को अभी तो आप उसे जा सकते हो। तो मैं टाइप करूँगा आर्प 305, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और गैलेक्सी है। तो अब देखते हैं इसमें हमारा क्या आता है। तो ये हमारा गैलेक्सी आ गया R305। और जो नीचे जाएंगे ऑप्शन तो आपके पास स्पेक्ट्रा होगा, ये रहा हमारा स्पेक्ट्रा, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे एक्सप्लोर। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, क्लिक करोगे यहाँ पे फिट्स। यहाँ पे आपको एक डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक करो वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये स्पेक्ट्रा डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा अपने फैक्ट्री में। और ये हमारा स्पेक्ट्रा डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हो आप स्पेक्ट 22223 फिट्स फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। हम इसको रिमूव कर देंगे और जाएंगे हम अपने डायरेक्टरी में। तो क्या करेंगे, इसको हम चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा स्ट्रक्चर है कहाँ। तो आप फिट्स टाइप करो यहाँ पे फिट्स, तो ये हमारा फिट फाइल रहा यहाँ पे स्पेक्ट्रा का। तो हमें इसको फिट करना है इसके डेटा को। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज, इंपोर्ट लाइब्रेरी करेंगे पहले, जो हमारे लिए जरूरी होगा पढ़ने के लिए। तो ये हमारा फिट्स फाइल है, तो हम इसको पहले फिट्स एस्ट्रोपा इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम
फ्रॉम एस्ट्रोपाई डॉट इनपुट आउटपुट इम्पोर्ट फीड्स, ये हमारा फीड्स फाइल पढ़ने के लिए है, फीड्स फाइल रीडिंग। फिर हम इंपोर्ट करेंगे नमपाई, इंपोर्ट नमपाई एज एमपी करेंगे और ये हमारा यूज होगा एरे को, एरे के लिए। फिर हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी, ये हमारा यूज होगा प्लॉटिंग के लिए। ये हमारा यूज होगा प्लॉटिंग के लिए। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया लाइब्रेरीज, अब हम फिट फाइल पढ़ेंगे। रीड फिट फाइल, फाइल पढ़ने के लिए हमारा कमांड देगा फाइल का, हम रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हो कि आपके पास एसडीयू है, इसको हम बोलते हैं हेडर डेटा यूनिट प्राइमरी क्वेड एंड स्पेक ऑब्जेक्ट। तो हमारा डेटा क्वेड में होता है, बिन टेबल एसडीयू में। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को एक्सेस करेंगे। तो हम टाइप करेंगे डेटा इक्वल टू फाइल वन डॉट डेटा और फिर देखें कि डेटा हमारा है क्या। तो ये डेटा हमारा हो गया, आप देख सकते हो आपका फ्लक्स वैल्यू है और आपका आपका जो वेवलेंथ है लॉग लैम वो लॉग में है, आपका वेवलेंथ लॉग में है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से हम एक्सेस करेंगे अपना फ्लक्स। तो फ्लक्स एक्सेस करने क्या करना पड़ेगा, हमको टाइप करना पड़ेगा फ्लक्स इक्वल टू डेटा, स्ट्रिंग देंगे हम फ्लक्स, तो ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, ये देखो आपका ये फ्लक्स आ गया। इस तरह से आप इसका वेवलेंथ ले सकते हो। वेवलेंथ के लिए हम टाइप करेंगे WAV और डेटा लॉग लैम, और हमें लॉग में है तो हमें चाहिए निचले लीनियर स्केल पर, तो हम इसको 10:2 पावर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, आप चेक कर सकते हो कि आपका वेव है क्या, हमारा वेव हो गया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हमको टाइप करना होगा कमांड पीएलटी डॉट प्लॉट, एक्स एक्सिस पे हमारा वेवलेंथ होगा और वाई एक्सिस पे हमारा फ्लक्स होगा। तो यहाँ हम देते हैं पीएलटी डॉट फिगर और हम यहाँ पीएलटी डॉट शो कर देंगे, तो हमारा स्पेक्ट्रा प्लॉट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रा
प्लॉट हो चुका है। आप इसको जूम कर सकते हो चाहो तो, उसके लिए आप यहाँ पे एक कमांड ऐड कर दो, परसेंटेज मैट प्लॉट लिव विजेट पूरा को रन करो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ बटन्स मिल गए हैं, तो आप जूम कर सकते हो स्पेक्ट्रा को, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं, ये गैलेक्सी की लाइंस, जूम करोगे तो ये हमारी स्पेक्ट्रा होगी गैलेक्सी की, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उस गैलेक्सी में। तो ये हमारा हो गया, और ये हमारा स्पेक्ट्रा हमारा ऑब्जर्व फ्रेम में है, मतलब मूविंग फ्रेम में है। तो इसको हम एक दे देंगे टाइटल फिलहाल के लिए, प्रायोरिटी डॉट टाइटल दे देंगे। स्पेक्ट्रा इन ऑब्जर्व फ्रेम, और हमारा पीएलटी डॉट हम वाई लेवल देते हैं फ्लक्स, और हमारा पीएलटी डॉट हम एक्स लेवल दे देंगे अपना। और ये हमारा एंगस्ट्रम में है, तो हम इसका दे देंगे यूनिट, यूनिट को हम एंगस्ट्रम में ये कर रहे हैं, और फ्लक्स हमारा, और फ्लक्स हमारा अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर एंगस्ट्रम है। और भी हमारा 10^70 के इसको हम 10^70। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। अब चाहो तो इसको लैटेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, कुछ ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा स्पेक्ट्रा हो गया डॉट फ्रेम में, और ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। तो अब ये हमारे इनिशियल लाइंस हैं गैलेक्सी के, कुछ जंक्शन लाइन्स भी होंगे नीचे वाले, जैसे ये हमारा जंक्शन लाइन्स है, तो आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस स्पेक्ट्रा को हमें रेस्ट फ्रेम में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व फ्रेम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑब्जर्व फ्रेम वेवलेंथ बाय वन प्लस जेड, और जेड क्या होगा हमारा, जेड हमारा होगा रेड शिफ्ट, जेड हमारा रेड शिफ्ट होगा। तो हम देखेंगे अब जेड हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे यदि आप फाइल टाइप करो रेड शिफ्ट रेड, और यहाँ पर जेड कर सकते हो, जेड इक्वल टू फाइल टू डॉट डेटा, और फिर यहाँ देखोगे जेड, तो यहाँ पे आप बहुत सारे आपको डेटा मिलेंगे।
कैसे कर सकते हो यहाँ पे? और यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो जेट? तो आपका रेड शिफ्ट, ये हमारा रेड शिफ्ट हो गया। हमारा 0.5 ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम रेस्ट फ्रेम में लाने के लिए, लेफ्ट फ्रेम में लाने के लिए हम वेवलेंथ कोड इसको वेव 1.2 करेंगे और वेव डिवाइडेड बाय हम 1+z कर देंगे। मे बी आप इसको जेड 0 कर दो, इसको आप रेड शिफ्ट कर दीजिए, रेड शिफ्ट 1+। तो आपका वेव 1 का ही आ जाए। बेसिकली आपको ये आपको रेस्ट मेजरमेंट कर सकते हो यहाँ पे, रेस्ट माइक्रोवेव लेंथ, फिर आप टाइप करो रेस्ट वेवलेंथ तो आपका ये मिल जाएगा, आपका वेवलेंथ रेस्ट फ्रेम में मिल गया, मतलब हमारा ये डी रेड शिफ्ट हो गया वेवलेंथ। अब हम क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट स्पेक्ट्रा इन रेस्ट फ्रेम। फिर से हम वही कमांड देंगे prt.clear करेंगे और prt.plot करेंगे हम। इस बार हम मेरा चेंज होगा वेवलेंथ, हमारा रेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा और फ्लक्स सेम रहेगा। फिर हम ठहरेंगे prt.show, इस बार हम इसको डिफरेंट कर देते हैं कलर, कलर इक्वल टू रेड कर देंगे, हम रन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका स्पेक्ट्रा प्लॉट हो चुका है और इस बार आपका स्पेक्ट्रा थोड़ा सा आपको स्विफ्ट दिखेगा लेफ्ट साइड में। देख सकते हो कि आपका जो ये पीक है 6650 पर लाइक कर रहा है और इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पाइथन कोडिंग यूज करके क्लासिकल स्पेक्ट्रा प्लॉट करने आ गया होगा। तो आप चाहो तो इसमें भी दे सकते हो टाइटल, जैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और यहाँ डाल सिंपली इन रेस्ट फ्रेम, बाकी सब कुछ सही है। और यहाँ पे आपका जेड क्या है, आपका जेड है 0.011, तो ये आपका रेड शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारे लाइन्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
क्लासिका स्पेक्ट्रा रीड करने आ गया होगा फाइजरवेज करके। धन्यवाद।